हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मार्गदर्शन चैनल में। आज मैं इस चैनल के माध्यम से वाद के निर्णयों से संबंधित एक नई कड़ी प्रारंभ करने जा रही हूँ, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न विषयों पर आए हुए अलग अलग प्रकार के निर्णयों की चर्चा करेंगे। आज का विषय घरेलू हिंसा से संबंधित है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि यदि घरेलू हिंसा प्रमाणित नहीं होती है तो भरण पोषण भत्ता भी नहीं दिया जाएगा। यह जोधपुर का मामला है। इसके अंतर्गत पत्नी के द्वारा पति के ऊपर एक वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें भरण पोषण की मांग की गई। न्यायालय को बताया गया कि इनके द्वारा, यानी मेरे पति के द्वारा, मेरे साथ घरेलू हिंसा की जा रही है और मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, परंतु उनके द्वारा दी गई दलीलों से यह सिद्ध नहीं हो पा रहा था कि घरेलू हिंसा कब हुई, कैसे हुई और किसके द्वारा की गई। पति के द्वारा भी अपने बचाव पक्ष को रखते हुए तथ्यों को दिए गए और साथ ही साथ सबूत भी प्रस्तुत किए गए, जिससे यह सिद्ध नहीं हो पाया कि घरेलू हिंसा कब और किसके द्वारा कैसे की गई। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया और उसमें बताया कि घरेलू हिंसा यदि प्रमाणित नहीं होती है तो भरण पोषण भत्ता भी नहीं दिया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी प्रकार का झूठा वाद प्रस्तुत करके भरण पोषण की मांग नहीं कर सकते। इससे उन लोगों को भी सहायता मिलेगी जो झूठे मुकदमे में फंसते जा रहे हैं, और उन्हें भी सबक मिलेगा जो न्याय का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को इतना ध्यान से सुना। आप अपने कमेंट को अवश्य मुझ तक भेजें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है।